हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी दोस्तों लेखक ऑल्ड्स हक्सली ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर एक भविष्यवाणी की थी उन्होंने 1960 में कहा कि भारत में लोकतंत्र तभी तक है जब तक देश में पंडित नेहरू की सरकार है उसके बाद यहां तानाशाही होगी भारतीय लोकतंत्र को लेकर ऐसी भविष्यवाणी अन्य देशों के बड़े-बड़े विचारक और लेखक भी कर रहे थे दोस्तों आजाद भारत के लोकतंत्र में इतनी विविधता थी कि एक देश और उसके लोकतंत्र का सरवाइव करना बहुत मुश्किल माना जा रहा था लेकिन पंडित नेहरू और बाद में उनके नक्शे कदम पर चलने वाली इंदिरा गांधी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया साथ ही आजादी के बाद सात दशक से भी ज्यादा का समय बीत गया है इन सब के बावजूद भारत के लोकतंत्र ने समय के साथ अपनी जड़ें और गहरी कर ली हैं ये जड़ें इतनी गहरी हैं कि अब लोकतंत्र का खत्म होना मुश्किल है लोकतंत्र की गहरी प्रकृति के अलावा इस गतिशील लोकतंत्र ने आठ दशकों में न केवल खुद को विकसित किया है 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 बल्कि दुनिया के लिए एक बेंचमार्क भी बनाया है। ऐसे में में समझना यह कि जिस देश लोकतंत्र की गारंटी नहीं थी वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बना आज के वीडियो में हम भारतीय लोकतंत्र के विकास और उसके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की कहानी को भी समझेंगे दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी मुख्य परीक्षा के निबंध पेपर और जीएस पेपर टू के लिहाज से जरूरी है इससे संबंधित मुख्य अभ्यास प्रश्न आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा यूपीएससी की मांग है इंटरलिंकेज और सॉलिड लॉजिक जिन पर हमने इस केस स्टडी में बात की है वीडियो को देखने के बाद आप सहजता से इस विषय पर यूपीएससी मेंस का उत्तर लिख पाएंगे सबसे पहले बात भारतीय लोकतंत्र के वंडर की दोस्तों भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा वंडर है इसकी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता जो कि समय के साथ विकसित हुई है अगर आप प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे तो इस मामले में 190 देशों में एक स्थान पर भारत है जो लोकतंत्र के पारंपरिक सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र उसी देश में जिंदा रह सकता है जहां के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बहुत बेहतर है क्योंकि जब तक उनकी जीवन शैली और सोच पैसे की कमी और गरीबी की वजह से बेहतर नहीं होगी तब तक लोग लोकतंत्र को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे जबकि भारत के लोगों ने बढ़ती जनसंख्या के साथ इस समस्या को अपने लोकतंत्र का भार नहीं बनने दिया इस वंडर ने वक्त के साथ भारतीय लोकतंत्र को अलग तरह से शेप किया है दूसरे आश्चर्य की बात करें तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जिन देशों में निर्जातीय और धार्मिक विविधता ज्यादा होती है वहां लोकतंत्र बहुत मुश्किल होता है विविधता को लेकर बहुत से विशेषज्ञ और राजनीतिक वैज्ञानिक ये भी बोल चुके थे कि भारत में एक महाद्वीप जैसी विविधता है इसे एक राष्ट्र में फिट करके लोकतंत्र बनाया ही नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी समूह भारत से जुड़ने से पहले अपनी जातीयता या धार्मिक समुदाय से जुड़ता है विविधता वाले देश में लोकतंत्र इसीलिए संभव नहीं है अगर कहीं ऐसा होता भी है तो वो विशिष्ट प्रकार का लोकतंत्र होगा जिसमें पहले से ही हर जाति और धार्मिक समूह के प्रतिनिधित्व और सत्ता साझा करने की गारंटी को सुनिश्चित किया जाता है इस तरह के लोकतंत्र को कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी या सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है यहीं पर भारतीय लोकतंत्र आपको हैरान कर देता है यह बहुत साफ है कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर किसी भी तरह की विविधता को अलग से कोई शक्ति नहीं दी गई है उसके बावजूद लोग एक साथ एक ही लोकतंत्र में सात दशक से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं दुनिया के लिए जहां भारतीय लोकतंत्र एक कठिन पहेली है वहीं इस पहेली का एक हिस्सा यह भी है कि भारत में इतनी ज्यादा विविधता के बावजूद अलगाववाद की भावना इतनी कम कैसे हो सकती है दोस्तों आपको बता दें कि उन्नीस से नब्बे का ऐसा दौर था जब देश में लोगों के बीच अलगाव की भावना पनपी थी लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस वक्त भी सिर्फ साढ़े तीन प्रतिशत भारतीयों के मन में अलगाव जैसी भावना देखने को मिली जो कि वक्त के साथ और भारतीय लोकतंत्र के आर्थिक दरवाजे खुलने के साथ खत्म होती गई यह भारतीय लोकतंत्र का विकास ही है कि वक्त के साथ लोगों ने अपने अंदर यह क्षमता विकसित कर ली है कि वो एक साथ दो से तीन पहचान बनाए रखें, जैसे जातीय या धार्मिक पहचान और उसके साथ ही राष्ट्रीय पहचान लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि वक्त के साथ साथ लोगों की राष्ट्रीय पहचान उनकी अन्य किसी पहचान की वजह से कमजोर नहीं हुई यही कारण है कि इतनी विविधता के बावजूद बिना सामाजिक लोकतंत्र बने भारतीय लोकतंत्र अपनी स्थिरता जस की तस बनाए हुए है कुछ और वंडर्स की बात करें तो आज भी भारत में जाति और लिंग को लेकर बड़ी असमानता है इस दर्जे की असमानता के बावजूद भारत में लोकतंत्र का चलन कैसे बढ़ रहा है यह बात सबको परेशान करती है इसके साथ ही लोकतंत्र को संभालने वाले संस्थागत ढांचे जैसे चुनाव आज भी भारत में हर बार बड़े स्तर पर हो रहे हैं इस वजह से भी भारतीय लोकतंत्र एक गतिशील और जीवंत लोकतंत्र माना जाता है सिचुएशन चाहे जैसी भी हो कई देशों में जहां लोकतंत्र के बावजूद सेना या कोई तानाशाह कभी भी सत्ता में आ जाता है भारत में ऐसी समस्या कभी भी देखने को नहीं मिली यह भी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है ऐसा नहीं है कि हर समय भारत का ये लोकतंत्र एक जैसा था बल्कि अगर आप आजाद भारत की टाइमलाइन को देखेंगे तो आपको ये बहुत साफ दिखेगा कि कैसे हमारे देश के लोकतंत्र ने वक्त के साथ खुद को ट्रांसफॉर्म किया है इसे समझने के लिए हम भारतीय लोकतंत्र के परिवर्तन पर एक नजर डालते हैं दोस्तों राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र के कई उदाहरण मिल जाएंगे जैसे पीपल्स डेमोक्रेसी गाइडेड डेमोक्रेसी इलिबरल डेमोक्रेसी यहां तक कि ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी भी पाई जाती है लेकिन लोकतंत्र का सबसे आदर्श रूप उदार लोकतंत्र को माना जाता है लोकतंत्र के इतने प्रकारों के बीच भारत के पास इस समय लोकतंत्र के लिए एक अलग ही विशेषण मौजूद है और वो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के मामले में लोकतंत्र के विशेषण समय के साथ बदल गए भारत ने रूढ़िवादी लोकतंत्र से लोकतंत्र के लोकतांत्रिकरण तक का सफर तय किया है अब देश में जातीय लोकतंत्र भी देखने को मिल रहा है अगर शुरुआत से देखें तो 1950 में भारत के एक लोकतांत्रिक देश बनने के साथ ही एक तरह के रूढ़िवादी लोकतंत्र ने जन्म लिया जिसमें जनता के पास सरकार चुनने का तो अधिकार था लेकिन अपने समाजवादी दृष्टिकोण की वजह से नेहरू ने देश की प्रगति पर ध्यान दिया और पूरी तरह से उदार लोकतंत्र को कभी समर्थन नहीं दिया इसी वजह से देश में लाइसेंस राज और बंद अर्थव्यवस्था जैसी स्थिति भी देखी गई लेकिन देश में राष्ट्रीयकरण की भावना को मजबूत करने में नेहरू ने फाइव ईयर प्लान लाकर बहुत बड़ा काम किया इसकी शुरुआत में राज्यों के पास उतनी शक्ति नहीं थी जितनी अभी है इसी वजह से केंद्र सरकार के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला साथ ही देश में गरीबी और भारी असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी निजी संपत्तियों और जमींदारों की जमीनों को किसानों में बांटा गया था इसी वजह से भारतीय लोकतंत्र को रूढ़िवादी माना गया लेकिन देश में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि रूढ़िवादी लोकतंत्र को गरीब जनता ने अपने हित में समझा नेहरू जी उन्नीस से लेकर अपने अंतिम समय तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे उन्नीस सौ और उन्नीस के चुनाव में भी कांग्रेस को स्पष्ट जीत मिली और देश में कोई दूसरी पार्टी का कद भी उतना बड़ा नहीं हो पाया नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का दृष्टिकोण भी समाजवादी ही था उन्होंने भी देश से गरीबी हटाओ और आर्थिक असमानता को प्राथमिकता दी उनके कार्यकाल को भी रूढ़िवादी लोकतंत्र माना जा सकता है लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत से संस्थानों को रेगुलेट करके लोकतंत्र के लिए खतरा भी पैदा कर दिया इसी वजह से इंदिरा गांधी के दौर का लोकतंत्र और पंडित नेहरू के दौर का लोकतंत्र रूढ़िवादी होते हुए भी अलग था दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह था कि इंदिरा गांधी के दौर में पहली बार भारतीय लोकतंत्र को आपातकाल जैसे फैसले से खतरा महसूस हुआ आपातकाल की पूरी कहानी हमने इतिहास गवाह है कि एक एपिसोड में कवर की है आप चाहे तो उसे देख सकते हैं कुछ समय के लिए संविधान के साथ न्यायपालिका की शक्ति को भी कम करने की कोशिश की गई इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि यही वो समय था जब भारत के लोकतंत्र ने खुद को कठिन परिस्थितियों में भी स्टेबल बनाना सीखा और यहीं से असली भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई क्योंकि इंदिरा गांधी के फैसलों से देश में न सिर्फ एक मजबूत विपक्ष तैयार हुआ बल्कि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी आगे बढ़े उससे पहले एक स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल यूपीएससी के फाउंडेशन पी टू आई बेस्ट थ्री में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22999 रुपए में हासिल कर सकेंगे कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है 1980 के दशक के अंत तक भी भारतीय लोकतंत्र का लोकतंत्रीकरण शुरू नहीं हुआ था 1980 के दशक के अंत में राजीव गांधी की सरकार को एक बार फिर से गठबंधन ने हरा दिया तब नई गठबंधन सरकार में पहली बार बड़े पद पर पिछड़ी जाति के लोग पहुंचे दरअसल कांग्रेस के समय में ज्यादातर उच्च मानी जाने वाली जातियों के लोग ही सरकार में देखने को मिलते थे उन्नीस में बनी यह सरकार उन्नीस तक चली इस दौर में इन जातियों का वर्चस्व कम होने लगा ओबीसी के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन्हीं दो सालों में काम हुआ इस दौरान ओबीसी को देश में 27 परसेंट आरक्षण दिया जाने लगा इस एक कदम ने देश के लोकतंत्र को अलग ही राह दे दी इससे पिछड़ी जाति के लोग भी अपनी पार्टी बनाने लगे और 1990 के बाद से देश में एक दलीय प्रणाली पूरी तरह से खत्म हो गई देश में क्षत्रिय नेताओं ने या तो कांग्रेस से अलग होकर या फिर एकदम शुरू से अपनी क्षत्रिय पार्टी बना ली इससे देश के लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को जगह मिली इस विकेंद्रीकरण से भारतीय लोकतंत्र विकसित होने के साथ साथ और जीवंत हो गया यही कारण है कि आज भी देश की बड़ी आबादी वाले राज्यों को आप देख सकते हैं कि वहां पर सबसे बड़ी पार्टी में क्षेत्रीय पार्टी का नाम जरूर होगा चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी हो तमिलनाडु में ए आई ए डी एम के हो बिहार में जेडीयू और आरजेडी हो विकसित होते लोकतंत्र ने लोगों को ये समझ दी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भले ही वो किसी और पार्टी को चुने लेकिन उनके राज्य की दिक्कतों के लिए उन्हें क्षेत्रीय पार्टी पर ही भरोसा जताना चाहिए राजनीति के अलावा भारतीय लोकतंत्र में बंद राजनीति की तरह ही बंद अर्थव्यवस्था का दौर भी खत्म हो गया उन्नीस की पी नरसिम्हा राव सरकार ने देश के लोकतंत्र को लोकतांत्रिक बनाने में बहुत बड़ा कदम उठाया दरअसल आर्थिक उदारीकरण के साथ ही देश का आर्थिक विकास भी शुरू हुआ और लाइसेंस राज खत्म हो गया देश में पूंजी आने के साथ साथ लोग मजबूत भी हुए और इससे लोकतंत्र भी मजबूत हुआ इस तरह देश के लोकतंत्र का लोकतंत्रीकरण पूरा हुआ लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के लोकतंत्र ने उन्नीस के दशक के बाद से विकास करना बंद कर दिया बस हुआ यह कि जो स्टैटिक इवोल्यूशन यानी स्थिर विकास हो रहा था वो इक्कीसवीं सदी में डायनेमिक इवोल्यूशन यानी गतिशील विकास में बदल गया उदाहरण से समझें तो इक्कीसवीं सदी में आज भारतीय लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने में डिजिटलीकरण ने बड़ा रोल प्ले किया है देश के मतदाताओं के बीच बढ़ती जागरूकता भी देखने को मिल रही है 2019 के आम चुनाव में सड़सठ परसेंट मतदान अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत था जाहिर है कि यह आगे और भी बढ़ेगा लोग अपनी जिम्मेदारी अपनी राजनीति में शामिल होते नजर आ रहे हैं आज भले ही भारत में मौलिक अधिकारों के हनन और फ्री स्पीच पर सेंसर लगाने की बात की जाती हो लेकिन इसी दौर में हमारे देश के एलजीबीटीक्यू समुदाय की स्वीकार्यता भी अच्छी है दोस्तों ये बात शायद ही उन्नीस के बाद कोई सोच सकता था कि एक दिन देश में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाएगा भारत के लोकतंत्र में लगातार होते विकास की खूबी देखने को मिली है और ये विकास होते रहना जरूरी भी है क्योंकि इतने विकास के बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां भारतीय लोकतंत्र में आज भी मौजूद हैं सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आज भी भारतीय लोकतंत्र में हर इंसान को सतत आर्थिक विकास हासिल नहीं हुआ है जो चीन में बिना लोकतंत्र के भी चार दशक से देखने को मिल रहा है इसके साथ ही अब तक हमारे देश का लोकतंत्र गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब नहीं हो सका है आज देश के वैश्वीकृत शहर जैसे दिल्ली और मुंबई बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है ऐसा इसलिए क्योंकि आजादी के बाद देश में विकास तो बहुत हुआ और हो भी रहा है लेकिन इस विकास में काफी असमानता है आज भी कम कौशल और कम वेतन वाली नौकरी में लाखों युवा भारतीय लगे हैं एक और समस्या ये भी है कि आज जो राज्य देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में सबसे ज्यादा जनसंख्या देते हैं गरीबी भी वही ज्यादा है जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य लोगों के पास बदलाव करने का अधिकार होने के बावजूद वो अपनी गरीबी खत्म नहीं कर पा रहे अभी भी इन राज्यों द्वारा लोकतंत्र को अपनी शक्ति समझा जाना बहुत जरूरी है इसके अलावा मीडिया को भी अपनी वास्तविक भूमिका निभाते रहना है तभी भारतीय लोकतंत्र के उदार लोकतंत्र तक का सफर आसान होगा आइए अब बात करते हैं निष्कर्ष की दोस्तों उन्नीस से लेकर आज तक देश युद्ध महामारी प्राकृतिक आपदा आर्थिक संकट और आपातकाल जैसे दौर से गुजर चुका है कई उतार चढ़ावों की इस यात्रा में भारतीय लोकतंत्र अलग अलग मुसीबतों में और मजबूत हुआ है अब वो मजबूती चाहे उसे लोगों ने अपनी वोटिंग पावर से दी हो या देश के संसद ने बड़े सुधार करके दी हो या फिर न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा करके दी हो सबने ही अपने देश को और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आज अगर भारत में राष्ट्र की अवधारणा संभव हो गई है तो ये भारतीय लोकतंत्र के डायनेमिक नेचर की वजह से हुआ है लोकसभा में एक बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए अटल जी के ये वाक्य निश्चित तौर पर हम सबके भीतर भारत के प्रति सम्मान को और बढ़ा देते हैं इसी के साथ आइए आप नोट करते हैं आज के वीडियो पर आधारित सवाल मुख्य प्रश्न का अभ्यास भारतीय लोकतंत्र एक चमत्कार इस विषय पर एक निबंध लिखे हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आई हिंदी